टिंग 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 टिंग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्रत की एक स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। ये साबूदाना है, ये मोरदान है। आप इसको क्या बोलते हैं? कोई लोग इसको भगर बोलते हैं, कोई सावा बोलते हैं, हम लोग मोरदान बोलते हैं हमारे मालवा क्षेत्र में। और ये राजगिरे का आटा है। आज मैं आपको इन तीनों चीजों से फलहारी का, व्रत का चीला बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको पीस लूंगी। मैंने इसको पीस लिया है, इसको निकाल लिया है। अब मैं ये मोरदान है, इसको पीस रही हूँ। मोरदान भी पीसा जा चुका है। इस प्रकार ये पिसा हुआ साबूदाना है, ये पिसा हुआ मोरदान है, और ये राजगिरे का आटा है, जो कि आप सब लोग जानते ही हैं। इस प्रकार इन तीनों चीजों को मिलाकर मैं चीला बनाने जा रही हूँ, बहुत आसान तरीके से। बनाते तो सभी लोग हैं अपने अपने तरीके से चीजें फलाहार की, लेकिन कभी कभी हम दूसरों का देखते हैं तो हमें कुछ आसान सी रेसिपी लगती है, जो अच्छी भी लगती है। आज मैं देखी आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है या नहीं। इन तीनों चीजों को मैं मिलाकर ये 2 चम्मच है और ये भी 1.5 चम्मच है। सबसे ज्यादा इसमें साबूदाना है, इसको भिगो के हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा से गल जाए। ये देखिए आप, ये भीग चुका है। करीब करीब आधे घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था। अब इसको मैं, इसका जो घोल है वो इस प्रकार बनाऊंगी। ज्यादा इसको हमें पतला नहीं करना है। उपवास का, उपवास में इस्तेमाल किए जाने वाला नमक डाल रही हूँ। सिका हुआ और पिसा हुआ जीरा है, ये थोड़ी सी काली मिर्च है 1 चम्मच। इसमें मैंने ये सिका हुआ भुना हुआ मूंगफली का दाना है जो पीस लिया है, इसको मैं डाल रही हूँ। ये करीब 2 चम्मच के लगभग है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। ये किसी हुई लौकी है, इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट ये जो चीला बनने वाला है, और सब स्वाद से भरपूर है, सेहत से भरपूर। ये हरी धनिया है और ये हरी मिर्ची जो मैंने इसमें डाली है। इसके लगभग इसमें मैंने ऑयल डाला है, इसको खस्ता बनाने के लिए। इसमें ना ऑयल तलना है हमें ना कुछ कर, बहुत ही छोटा थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। थोड़ी सी चीनी है, 1 चम्मच के लगभग इसमें मैंने दही इस्तेमाल किया है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप इसे जरूर बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। अब इसके लिए मैं है, और मैं इस पर ये तवा रख रही हूँ। बहुत ही मामूली सा इसमें मैंने ऑयल लगाया है। बहुत आसान तरीके से बनने वाला ये व्रत का चीला है, महाशिवरात्रि के व्रत के लिए बनाइए।
सफाई है और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप डोसा तो सभी बनाते हैं करी करी, इसी प्रकार थोड़ा ये थोड़ा मोटा होगा तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, पतला पतला अच्छा नहीं लगता। और बहुत धीमी आंच में इसको बनने देंगे। इसके लिए हम इसको हल्का सा हम इसके चारों तरफ ऑयल फैला देंगे। इसको ढाक देंगे ताकि ये पकता रहे। बस मैं थोड़ा सा इसके आसपास तेल लगा दे रही हूँ ताकि आसानी से पक जाए और निकल जाए। इसके मैं बीच में थोड़ा सा कट लगा के यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से ऑयल हो जाए। तो जो चटनी है, हम दही की चटनी बना रहे हैं, इसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूंगी, व्रत में खाए जाने वाला नमक, थोड़े से मूंगफली के दाने, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा। इस प्रकार इसको मैं आपको अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छी आपको मैं टिप्स बताती हूँ। इसमें मैं एक चम्मच थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। यदि हम दही में थोड़ा सा दूध मिला देते हैं तो उसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। थोड़ी सी पीसी चीनी, हमारा ये चीला व्रत का बनकर तैयार हो गया है। आप भी बनाइए, खाइए और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।